हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा सिंह और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में खून की कमी के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और खून को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। किसी भी महिला के जीवन में गर्भावस्था सबसे यादगार समय होता है। इस दौरान वो कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना भी करती है। इस दौरान अक्सर शरीर में होने वाले बदलाव और शरीर की बढ़ती जरूरतें दोनों को संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी जी मिचलाना, कभी उल्टी आना और कभी चक्कर आना जैसी परेशानियां अक्सर हर महिला को होती हैं। इसी के साथ प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को एनीमिया की समस्या भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में शरीर को ज्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत होती है, इसलिए यह समस्या होना आम है। इस समय शिशु के विकास के लिए आपके शरीर को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। भारतीय महिलाओं में आयरन की कमी वाला एनीमिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। बहुत सी महिलाओं में गर्भवती होने से पहले ही आयरन की कमी होती है। शोध बताते हैं कि भारत में 10 में से 6 प्रेग्नेंट लेडीज को एनीमिया होता है। कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक ये आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया वो स्थिति है जिसमें आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, यानी नॉर्मल से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स को ही ऑक्सीजन के संग्रहण यानी कलेक्शन और उसे पूरे शरीर में पहुंचाने में मदद करता है। एनीमिया को आप आम भाषा में खून की कमी कह सकते हैं। जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन यानी कि एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं को उनका रंग मिलता है। जब हीमोग्लोबिन का असर स्तर गिरने लगता है तब एनीमिया की शिकायत होने लगती है। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ज्यादा अगर है तो वो नॉर्मल माना जाता है। 10 से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर अगर है तो माइल्ड एनीमिया, 7 से 9.9 तक मीडियम और 7 से कम अगर है हीमोग्लोबिन तो सीवियर एनीमिया। गर्भावस्था में होने वाले एनीमिया के प्रकार अगर हम देखें तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। गर्भावस्था में खून की कमी का एक सबसे मुख्य कारण होता है आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन बनने में मुश्किल होती है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर आपको आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है तो खून शरीर में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। यही कारण है कि गर्भावस्था में आयरन इतना महत्वपूर्ण होता है। फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया। फोलेट विटामिन बी का एक प्रकार है जो ज्यादातर हरी सब्जियों और बीन्स में पाया जाता है। गर्भावस्था में फोलेट की जरूरत ज्यादा होती है, जिसके लिए डॉक्टर शारीरिक जरूरत के हिसाब से फोलिक एसिड को दवा के रूप में भी देते हैं। फोलेट की कमी से गर्भ में पल रहे शिशु को स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनने में मदद करता है। जिन गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी होती है उनमें ठीक तरीके से लाल रक्त कोशिकाएं बन नहीं पाती, जिससे एनीमिया की समस्या होने लगती है। प्रेगनेंसी में खून की कमी के कारण क्या होते हैं? प्रेगनेंसी में खून की कमी का सबसे मुख्य कारण जो है वो फोलिक एसिड की कमी भी होता है। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनते हैं। बोन्स के अंदर जो टिश्यू होता है बोन मैरो उसके अंदर बनते हैं। इनकी कमी के चलते शरीर में खून की कमी होने लगती है। गर्भवती में खून की कमी के पीछे फोलिक एसिड की कमी एक कारण हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विटामिन बी की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, अगर शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम बन रही हैं, तो वो भी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। पौष्टिक खानपान और हरी सब्जियों को नहीं खाना। अगर कोई गर्भवती महिला पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खानपान नहीं कर रही है, अच्छे तरीके से नहीं खा पी रही है, खास तौर पर हरी सब्जियों को भरपूर मात्रा में नहीं ले रही है, तो उसे एनीमिया की शिकायत हो जाएगी।
दूसरी चीज है कि कम उम्र में यानी कि 20 साल से कम अगर एज में कोई प्रेग्नेंट हो रही है लड़की तो उसको एनीमिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला लक्षण है चेहरा पीला पड़ जाना, सफेद पड़ जाना। शरीर में खून की कमी से चेहरा पीला या सफेद लगता है। कमजोरी, चक्कर और थकान का महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, गर्भवती के नाखून, आंखों और होंठों का रंग पीला पड़ जाना, सर दर्द होना, शरीर और पैरों पर सूजन आ जाना, अत्यधिक तेज या अनियमित धड़कन का तेज महसूस होना, ये इसके लक्षण होते हैं। अब आते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया हो ही चुका है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। प्रेगनेंसी में खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर आयरन की टैबलेट्स या कैप्सूल्स आपको लिखेंगे। इसके अलावा आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करने की आपको सलाह दी जाएगी। गर्भावस्था के दौरान आयरन और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक करने की सलाह दी जाती है, जैसे चुकंदर। इसे खून की कमी दूर करने के लिए रामबाण माना जाता है। इसमें काफी मात्रा में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। आप चाहें तो चुकंदर को सलाद के रूप में ले सकती हैं या चुकंदर गाजर के रस में आप जूस में नींबू मिलाकर पी सकती हैं। सेब को भी आप ले सकती हैं। सेब में आयरन के साथ विटामिन सी पाया जाता है जिससे खून की कमी दूर होती है। गर्भवती महिला को अपने खान पान में सेब शामिल जरूर करना चाहिए। पालक में प्रचुर मात्रा में अच्छी मात्रा में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट होता है जो खून की कमी को पूरा करता है। पालक का सूप ले सकती हैं आप। सब्जी के रूप में दोपहर के भोजन में आप इसका सेवन कर सकती हैं। केला भी एनीमिया में फायदेमंद होता है। मुनक्का में अच्छी मात्रा में आयरन होता है जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। काले चने में भी प्रोटीन और आयरन अच्छी मात्रा में होता है जिससे कि एनीमिया में आपको फर्क महसूस होगा। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा खून की कमी है, सीवियर एनीमिया है, तो उसे ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आयरन का इंजेक्शन भी आजकल ड्रिप में दिया जाता है जिससे खून की कमी से निपटने में काफ़ी मदद मिलती है। कुछ समय तक आप सप्लीमेंट्स लेने के बाद डॉक्टर आपकी दोबारा जांच करते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्रेट पता चलता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि जिसकी इलाज से आपको आपका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा है। प्रेगनेंसी में एनीमिया से बचाव आप किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही खान पान। प्रचुर मात्रा में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व युक्त आपको खाना खाना चाहिए। आप दिन में 3 बार अच्छा भोजन जरूर करें। इसके अलावा फोलेट और आयरन आपके डॉक्टर जैसे बताएं उस तरीके से आपको ज़रूर लेना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब